राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं म्यूट थी और ईयरफोन लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्लास चल रहा है। तो अभी सर कुछ लिखवाने के बाद जब उसको समझाते हैं तो सोचे तब तक थोड़ा सुनते भी रहते हैं, कुछ कर भी लेते हैं। तो मुझे लगी थी भूख, क्योंकि दोपहर में मैंने एक डेढ़ रोटी खाई, मन नहीं था खाने का, तो एक डेढ़ रोटियां ही खाई थी मैंने। तो मुझे लग रहा है कि जब मुझे भूख लगी है तो ईशान को भी भूख लगी होगी, और ईशान को उठाएंगे तो फिर वो उठाने में ही समय बर्बाद करेगा, तो 5 मिनट लगेगा। बनाते हैं मैगी। तो बना लेते हैं, तब माँ को और ईशान को उठाकर सरप्राइज देते हैं। हालांकि माँ का कम ही उम्मीद रहता है, फिर भी चाहेंगे कि माँ भी थोड़ा खा ले, थोड़ा ही सब बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, मैं सबको नमस्ते करना तो भूल ही गई, राधे राधे सबको। और उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और ये ब्लॉग मेरा आज काफी, फिर मैं अपने आप को ही देख रही हूँ, और ये ब्लॉग मेरा काफी लेट शुरू हुआ है, तो आप लोग बने रहिए। ऊर्जा सोना 6:30 हो गया, 6:30। ऊर्जा लुलू, कल क्या है, हिंदी लिटरेचर का एग्जाम है मामा। बेटा थोड़ा सा टीवी देख ले मम्मा। देख लो बाबू मेरा सोना, देख लो आधा घंटा देख लो। हिंदी में पढ़े हो ना पहले से बेटा? देखिए जरा बाबू का मुंह, देखिए बाबू का मुंह, देखिए एक बार आंख ऊपर करो, एक बार आंख ऊपर करो, पूरा खोलो, पूरा खोलो, एक बार खोलो ना बेटा अच्छे से, स्माइल के साथ, छोटा छोटा प्यारा छे स्माइल के साथ। मैगी खाइएगा? नहीं मेरा बेटा साफ मना कर दिया, चालू कर रहे हैं बेटा, ऑन कर रहे हैं टीवी। मेरा बेटा साफ मना कर दिया हमसे कि थोड़ा मैगी बनाते हैं, वैसे तो हम लोग ये जल्दी खाते नहीं है, पैकेट एक पैकेट पड़ा रहता है 2-3 महीने तक। रिमोट तो दे दो, लो तो सरप्राइज बेकार रहा, क्योंकि ईशान को भी जल्दी ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सोची कि बना देते हैं तीखा चटपटा। कल वो ढूंढ रहा था, एक्चुअली उसका एक कुरकुरे बचा हुआ था, ग्रीन पैकेट वाला तीखा वाला, तो हम खा गए थे, हम खा गए तो आया था स्कूल से, तो ढूंढ रहा था उसको क्या बताया, फिर बाद में बताए तो बोला था आप खाई हैं, हम बोले ठीक है तीखा चटपटा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मसालेदार मैगी बना देते हैं। मैगी मसाला ये सब लाए हुए थे एक्स्ट्रा ऊपर से डालने के लिए, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, देखते हैं, देखकर खाएगा तो खाएगा, नहीं तो मम्मी खाएगी। और ये मैगी के छोटे छोटे बुलबुले हुए मैगी बोल रहा है मैं पक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, देखिए बोल रहा है ना इधर से डांस कर करके, मैं पक गया हूँ, मुझे खा लो, बिल्कुल मैं तुम्हें खाऊंगी। ईशान बोल रहा है नहीं खाएगा, लेकिन मम्मी तो खाएगी, तो हम अपना खा रहे हैं मैगी। ये देखिए कभी कभी खा लेना चाहिए, नहीं टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है स्पाइसी। तो ईशान मैगी तो खाया लेकिन मन से नहीं खाया, और अभी वो गया है ट्यूशन पढ़ने, तो सोचे थोड़ा सा बना दे कुछ ठंडा, तो लस्सी नहीं ये मैंगो शेक बना रहे हैं, तो दूध आम और चीनी ला दिए हैं। अब इसको अभी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, पर से पता नहीं चल रहा है, आम बैठ गया है नीचे, तो इसका बना देते हैं मैंगो शेक, उसके बाद चलते हैं गुरुजी और विद्यार्थी दोनों को देते हैं। तो ये मैंगो शेक बन के रेडी है, ये ईशान का है और ये ईशान के गुरुजी का है। आप लोग सोच रहे होंगे स्टील के ग्लास में क्यों, क्योंकि जो जूस वाला ग्लास आता है, जो जूस के लिए हम लोग ग्लास रखते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, वो उसका साइज ना बड़ा नहीं होता है ज्यादा, और जब तक आप बनाइए और बच्चों को बड़े ग्लास में ना दीजिए तब तक संतुष्टि नहीं होता है, तो वो तो बच्चे ही हैं वो भी मेरे लिए, ये दोनों। लेकिन ईशान इसी में पिएगा, शीशा वाले कप में, ये उसके पापा का कप था, ग्रीन टी पीते थे इसमें,
और थोड़ा बच गया है तो हम भी ले लिए हैं अपने चाय वाले ग्लास में। तो इसमें आइस डाल के, इलायची डाल के, जैसे मन हो वैसे आप पी सकते हैं। आइस नहीं डालेंगे क्योंकि दूध बहुत ठंडा है और आम भी ठंडा है। आंधी आया, रात में आंधी आया बहुत तेज। अभी अभी बहुत तेज आंधी आया हुआ है और हम लोग आंधी में मस्ती कर रहे हैं। ईशान, ईशान इधर आके जरा डांस दिखाओ, कैसे आंधी आया रोशनी में। और अरे ये हैं ईशान के गुरुजी, शर्मिला गुरुजी हैं, भैया हैं। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट भी कट चुकी है, बाहर स्ट्रीट लाइट जल नहीं रहा है, लेकिन पूरा बादल घेरे हुए। लाइट आया, आके चला गया फिर। लेकिन पूरा पेड़ पौधा एकदम नाच रहा है, नाच रहा है, सो नाच ही रहा है। सारा कचरा उड़ के इधर उधर जा रहा है। चलो ईशान जाके पढ़ाई करो, जाओ जाओ जाओ, हो गया। तोड़ेगा क्या मेरा, जाओ। तो बड़ा मजा आता है चिल्लाने में, आंधी आया आंधी आया आंधी आया। पानी आया पानी आया पानी आया। छत पे से एक बार बोलो तो। बोल सकते हैं, चैलेंज कर रहे हो क्या मम्मी को? चल बालकनी में से बोलते हैं, आंधी आया आंधी आया। ईशान न चैलेंज करता है कि आप ऐसा कर सकती हैं क्या, उसको पता ही नहीं है कि उसकी मम्मी बचपन में कितनी शरारती थी, बहुत ज्यादा थे। मतलब अभी तो बच्चे वैसे करते भी नहीं है, फिर भी बेचारे डांट सुनते हैं। और मेरे टाइम में तो इतना शरारती हम लोग थे, इतना क्योंकि उस समय तो ऐसा था नहीं। मतलब जब हम छोटे थे ईशान के टाइम में तो उस समय कार्टून चैनल तो भूल ही जाइए, एक दूरदर्शन आता था, प्राइवेट चैनल भी नहीं थे, पूरे जी टीवी आया था सबसे पहले 91-92 में। तो उस समय तो कुछ था नहीं, तो हम लोग मनोरंजन कैसे करते हैं अपना, शरारत करते थे, खेलते कूदते थे और बहुत बदमाशियां करते थे, बहुत ज्यादा। और घर में सबसे छोटे थे तो बात भी नहीं सुनते थे हम, सबका प्यार ही मिलता था। और शायद इसीलिए घर में जो सबसे छोटा होता है ना, वो कुछ ज्यादा शरारती होता है। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन दिल से बच्चे बने रहें, तभी आप जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।